नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना शुरू करी सांझ 5 बजे धर के मतगणना अपडेट से। 2 दिन पहले संपन्न भेल प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनाव के परिणाम के लिए अखन जोड़ तोड़ के साथ मतगणना भ रहल है। अहि क्रम में धनुषा के 4 निर्वाचन क्षेत्र मध्य क्षेत्र नंबर 1 बाहेक अन्य 3 क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा दिस नेकपा एमाले के उम्मीदवार सब शुरुआती अग्रता बढ़ौले छन। धनुषा में पछला मत परिणाम अनुसार 5 दलीय गठबंधन के उम्मीदवार सब पाछा पड़ल छन। धनुषा क्षेत्र नंबर 1 के पछला मत परिणाम अनुसार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से उम्मीदवार रहल दीपक कार्की अग्रता कायम रखने छन। एम्हर धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में पछला मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले उम्मीदवार उमा शंकर अगरिया सेहो अग्रता कायम रखने छन। तो धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में नेकपा एमाले उम्मीदवार जुली कुमारी महतो 6240 मत अन्य छथि। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 में नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ 475 मत सहित शुरुआती अग्रता बढ़ौने छन। तो 5 दलीय गठबंधन के साथ फेने नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री महेंद्र यादव 394 मत सहित दोसर स्थान में देखल गेल छन। संगे एम्हर सप्तरी क्षेत्र नंबर 1 में नवल किशोर शाह जसपाक उम्मीदवार रहल छन। हिनका 3603 मत प्राप्त रहल अछि। तो सप्तरी क्षेत्र नंबर 1 उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस से रामदेव शाह हिनका 3151 मत अखन धरि प्राप्त भेल अछि। तहिना सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 के चंद्रकांत राउत जनमत पार्टी के उम्मीदवार हिनका 17087 मत प्राप्त भेल अछि। तो सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 में उपेंद्र यादव जसपाक उम्मीदवार इनका 8376 मत प्राप्त अखन धरि भेल अछि। तहिना सरलाही क्षेत्र नंबर 3 में नरेंद्र शाह नेकपा माओवादी केंद्र के उम्मीदवार रहल छन। हिनका 4461 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना सरलाही क्षेत्र नंबर 3 में हरिप्रसाद उप्रेती नेकपा एमाले उम्मीदवार हिनका 3363 मत अखन धरि प्राप्त भेल अछि। आब रौतहट क्षेत्र नंबर 4 में देवप्रसाद तिमिर सिन्हा नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार हिनका 5470 मत अखन धरि प्राप्त भेल अछि। तहिना रौतहट क्षेत्र नंबर 4 के उद्धव प्रसाद रेग्मी नेकपा एमाले उम्मीदवार रहल छन। हिनका 4729 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना परसा दिस परसा क्षेत्र नंबर 2 में अजय कुमार चौरसिया नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार हिनका 8905 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना परसा क्षेत्र नंबर 2 में सुरेंद्र प्रसाद कुर्मी जसपाक उम्मीदवार रहल छन। हिनका 6335 मत अखन धरि प्राप्त भेल अछि। संगे परसा क्षेत्र नंबर 1 में प्रदीप यादव जसपाक उम्मीदवार रहल छन। तो हिनका 7715 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना परसा क्षेत्र नंबर 1 में अजय कुमार त्रिवेदी स्वतंत्र उम्मीदवार ई रहल छथि। हिनका 5912 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 के दिनेश कुमार यादव नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार रहल छन। हिनका 4905 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। संगे सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 के ताराकांत चौधरी नेकपा एमाले उम्मीदवार रहल छन। हिनका 3351 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। ई मतगणना 5 बजे धरि के रहल अछि। तऽ सप्तरी क्षेत्र नंबर 4 के तेजूलाल चौधरी नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार रहल छन। हिनका 394 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना सप्तरी क्षेत्र नंबर 4 में देखल जाए तो बाल किशोर यादव जसपाक उम्मीदवार आ हिनका 215 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना रौतहट क्षेत्र नंबर 1 में माधव कुमार नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीक उम्मीदवार रहल छन। हिनका 8743 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना रौतहट क्षेत्र नंबर 1 में अजय कुमार गुप्ता नेकपा एमाले रहल छन। ई 8251 मत अखन धरि प्राप्त केने छन। संगे महतरी क्षेत्र नंबर 1 में लक्ष्मी महतो कोइरी नेकपा एमाले उम्मीदवार आ हिनका अखन धरि 3408 मत प्राप्त भेल अछि। तहिना महतरी क्षेत्र नंबर 1 में गिरिराज मुनि पोखरेल
नेकपा माओवादी केन्द्र के उम्मीदवार रह सेना हिंका 2481 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तेना रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के किरण कुमार शाह स्वतंत्र उम्मीदवार रह सेना हिंका 5629 मत अखन धरि प्राप्त भेल अछि। तेना रौतहट क्षेत्र नंबर 2 में मोहम्मद फिरदोस आलम नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार रह सेना हिंका 4232 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। एम्हर रौतहट क्षेत्र नंबर 3 में प्रभु साह जे स्वतंत्र उम्मीदवार छनि हिनका 6253 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तेना रौतहट क्षेत्र नंबर 3 में ओम प्रकाश इहो स्वतंत्र उम्मीदवार रहल सेना हिनका 3751 मत अखन धरि प्राप्त भेल अछि। तेना बारा क्षेत्र नंबर 1 में अच्युत प्रसाद मैनाली नेकपा एमालेक उम्मीदवार आइ हिनका 6661 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना बारा क्षेत्र नंबर 1 में उमाकांत चौधरी नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार रह सेना हिनका 4939 मत अखन धरि प्राप्त भेल अछि। बारा अहिना क्षेत्र नंबर 2 में राम किशोर प्रसाद यादव जे स्वतंत्र उम्मीदवार रह सेना हिनका 3130 मत प्राप्त रहल अछि। तहिना बारा क्षेत्र नंबर 2 में शिवचंद्र प्रसाद कुशवाहा नेकपा माओवादी केन्द्र के उम्मीदवार रह सेता हिनका 2403 मत अखन धरि प्राप्त भेल अछि। तहिना बारा क्षेत्र नंबर 3 में ज्वाला कुमारी शाह नेकपा एमालेक उम्मीदवार रहल सेना हिनका 3848 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना बारा क्षेत्र नंबर 3 सँ राम बाबू कुमार यादव जसपाक उम्मीदवार रहल सेना हिनका 3754 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तऽ बारा क्षेत्र नंबर 4 में कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेकपा एकीकृत समाजवादी उम्मीदवार रहल सेना हिनका 4417 मत अखन धरि प्राप्त भेल अछि। तहिना बारा क्षेत्र नंबर 4 में इकबाल मियाँ नेकपा एमालेक उम्मीदवार रहल सेन हिनका 3030 मत प्राप्त रहल अछि। तहिना सरलाही क्षेत्र नंबर 1 में मान बहादुर खड़का जे स्वतंत्र उम्मीदवार रहल सेन हिनका 3934 मत प्राप्त रहल अछि। संगे सरलाही क्षेत्र नंबर 1 सँ राम प्रकाश चौधरी लोसपाक उम्मीदवार रहल सेना हिनका 3210 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। सरलाही क्षेत्र नंबर 2 में महेंद्र राय यादव नेकपा माओवादी केन्द्र के जे उम्मीदवार रहल सेन हिनका 1825 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तऽ सरलाही क्षेत्र नंबर 2 में राजेंद्र महतो लोसपा के उम्मीदवार रहल सेना हिनका 1311 मत प्राप्त रहल अछि। तहिना सरलाही क्षेत्र नंबर 4 सँ अमरीश कुमार सिंह ई स्वतंत्र उम्मीदवार रहल सेना हिनका 2269 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। अहिना सरलाही क्षेत्र नंबर 4 दिस नागेंद्र कुमार नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार रहल सेना हिनका 2254 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तऽ नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद चौधरी हिनका 4019 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के राजकुमार गुप्ता नेकपा एमालेक उम्मीदवार रहल सेना हिनका 3992 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। तहिना सिरहा क्षेत्र नंबर 1 दिशा राम शंकर यादव नेकपा एमालेक उम्मीदवार रहल सेना हिनका 2631 मत अखन धरि प्राप्त रहल अछि। संगे सिरहा क्षेत्र नंबर 1 दिस जे नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार रहल सेन पदम नारायण चौधरी हिनका 2267 मत प्राप्त रहल अछि। तहिना सिरहा क्षेत्र नंबर 2 के जसपा उम्मीदवार राजकिशोर यादव हिनका 2045 मत प्राप्त अखन धरि रहल अछि। तऽ सिरहा क्षेत्र नंबर 2 के चित्रलेखा यादव नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार रहल सेना हिनका 1961 मत प्राप्त रहल अछि। तहिना सिरहा क्षेत्र नंबर 2 के विनोद कुमार यादव जे जनमत पार्टीक उम्मीदवार रहल सेना हिनका 1903 मत प्राप्त रहल अछि। तऽ सिरहा क्षेत्र नंबर 3 के लीलानाथ श्रेष्ठ नेकपा एमाले के उम्मीदवार रहल सेना हिनका 2054 मत प्राप्त रहल अछि। तहिना सिरहा क्षेत्र नंबर 3 सँ विश्वनाथ शाह नेकपा माओवादी केन्द्र के उम्मीदवार जे रहल से हिनका 1500 मत प्राप्त रहल अछि। तहिना सिरहा क्षेत्र नंबर 4 में देखा जाए तो वीरेंद्र प्रसाद महतो जे जसपाक उम्मीदवार रहल से हिनका 2068 मत प्राप्त रहल अछि। आब सिरहा क्षेत्र नंबर 4 में देखा जाए तो धर्मनाथ प्रसाद शाह जे नेकपा एकीकृत समाजवादी उम्मीदवार रहल से हिनका 1616 मत प्राप्त रहल अछि।
आप महतरी दिशा महतरी क्षेत्र नंबर दू में देखल जाए तो शरद सिंह भंडारी लोसपा के उम्मीदवार रहल सेना हिंका 1627 मत प्राप्त रहल आप महतरी क्षेत्र नंबर दू के नेकपा एमाले के उम्मीदवार राम परीक्षण यादव हिंका 926 मत प्राप्त रहल महतरी क्षेत्र नंबर तीन में राम आधार कापर जे स्वतंत्र उम्मीदवार रहल सिंह हिंका 2893 मत प्राप्त रहल तहिना महतरी क्षेत्र नंबर तीन के महंत ठाकुर लोसपा के उम्मीदवार रहल हिंका 1544 मत प्राप्त रहल महतरी क्षेत्र नंबर तीन के हरि नारायण यादव जसपा के उम्मीदवार हिंका 1327 मत अखन धरि प्राप्त रहल संगे रौतहट क्षेत्र नंबर चार के देवप्रसाद तिमिल सिन्हा नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार आ हिंका 6899 मत साँझ 5 बजे धरि प्राप्त रहल तहिना रौतहट क्षेत्र नंबर चार के उम्मीदवार नेकपा एमाले से जे रहल छन उद्धव प्रसाद रेग्मी इनका 6126 मत प्राप्त रहल तहिना महतरी क्षेत्र नंबर चार में महेंद्र कुमार राय जे नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार रहल छन हिंका 891 मत प्राप्त रहल महतरी क्षेत्र नंबर चार के मनोज कुमार शाह जनमत पार्टी के उम्मीदवार रहल छन हिंका 356 मत अखन धरि प्राप्त रहल धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर तीन सब प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार जोली कुमारी महतो पूजा आराधना शुरू कने ओ आई भिनसरे से जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 8 स्थित संकट मोचन मंदिर में हनुमान आराधना कराब रहा सैन ओ निर्वाचन क्षेत्र नंबर तीन से एमाले जसपा के साझा उम्मीदवार समेत रहा सैन सप्तरी दू के प्रदेश सभाध्यक्ष के दोनों सीट में जनमत पार्टी के उम्मीदवार विजय प्राप्त कलक सप्तरी दू के प्रदेश सभा क्षेत्र नंबर एक में जनमत पार्टी के सतीश कुमार सिंह 16734 मत के साथ विजय भेल सैन ओ जनता समाजवादी पार्टी के शैलेन्द्र प्रसाद शाह के पराजित कने सैन शाह जमा 8292 मत पेने सलैन एम्हर तेसर स्थान में लोसपा के सरोज कुमार मंडल 6132 मत पेने सलैन प्रदेश सभाध्यक्ष क्षेत्र नंबर दू में से जनमत के महेश प्रसाद यादव विजय भेल सैन ओ 13325 मत के साथ विजय हासिल कलन माओवादी केंद्र के उमेश कुमार यादव 7023 मत पेने एम्हर जसपा के लक्ष्मण यादव तेसर स्थान में रहल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बल सपही घरेलू दारू नष्ट कलक मंगल दिन लक्ष्मीया गांवपालिका 4 स्थित से 70 लीटर घरेलू दारू नष्ट कल गल सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक रोहित बहादुर भोजन के नेतृत्व में रहल टोली राष्ट्रीय धान बाली अनुसंधान केंद्र लंग दारू बरामद कने सल निर्वाचन सुरक्षा के लिए गश्ती में गेल समय प्रहरी के देखने बाद दारू धनी दारू वस्ते छोड़ कर फरार भेला के बाद में प्रहरी ई दारू सबके अपना नियंत्रण में लकर स्थानीय के रोहबर में नष्ट कने प्रहरी निरीक्षक भुजेल जानकारी देने सैन इनका अनुसार दारू नष्ट कार्यक्रम में राजस्व आंतरिक कार्यालय जनकपुर के प्रमुख किशोर बरतौला आ स्थानीय जगनारायण यादव समेत सहभागी रहल सलैन अ विषय में अन्य अनुसंधान समेत भ रहल बेस कैंप सफी पिछला समय समाज हित के लिए उत्कृष्ट काज करैत आयल अछि 3 दशक से बंद रहल वीरगंज स्थित कृषि औजार कारखाना पुनः संचालन के लिए तत्काल 30 करोड़ रुपया बजट आवश्यक देखल गेल अछि राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र सरकार के बुझेने प्रतिवेदन में न्यूनतम 25 से लकर 30 करोड़ रुपया बजट सरकार से प्राप्त भेल त कारखाना संचालन कैल जा सकैत अछि उल्लेख सेहो कयने अछि आविष्कार केंद्र के सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर रितेश देव आविष्कार केंद्र सरकार के प्रतिवेदन बुझा चुकला से बजट पास भेल संगे कारखाना संचालन के काज शुरू करब जिक्र कलन राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र 18 गोटे के टीम पहले ही चरण में दैनिक 14 घंटा खटि कर कारखाना भीतर के पुरान औजार सबके सर सफाई अ सबक अवस्था आ समानुपातिक संचालन खर्च संबंध में अध्ययन कने सल आविष्कार केंद्र के ने अनुसंधान के क्रम में कारखाना भीतर रहल 54 बड़का मशीन मध्य 43 मशीन सामान्य मरम्मत संभारे से संचालन भेल जानकारी से देने सैन
अन्याय के हक में सेहो 75% औजार मरम्मत संभारे से संचालन कर सक केन्द्र के कहब रहा त नेपाल सरकार असोज 11 गते लिखित समझौता करते कृषि औजार कारखाना संचालन के संपूर्ण जिम्मा राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र के देव निर्णय कने सल। वह समझौता अनुसार आविष्कार केन्द्र कारखाना के अवस्था संबंध में सरकार के प्रतिवेदन बुझौलक। सरलाही में दूटा मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकला से दू गोटे के मृत्यु भेल संगे अन्य 3 गोटे अही में पड़ कर घायल भेल सन। मृत्यु भेल में प्रदेश 2030004 पर 78-84 नंबर के मोटरसाइकिल चालक 12 के कलैया उप महानगर पालिका 16 रहनिहार 45 वर्ष कन्हैया चौधरी आज 11 पर 810 नंबर के मोटरसाइकिल चालक महतरी बंटीवास नगर पालिका 6 रहनिहार 25 वर्षक सुनील आले मगर रहल सन। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल दुनू गोटे के मलंगवा अस्पताल में चिकित्सक मृत घोषणा केने प्रहरी जानकारी देने सन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित सरलाही के ईश्वरपुर नगर पालिका 12 जंगल में प्रदेश 2030004 पर 78-84 आज 11 पर 810 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में बीतल सांझ करीब 6:30 बजे ठोकला से ई दुर्घटना भेल सल। दुर्घटना में प्रदेश 2030004 पर 78-84 मोटरसाइकिल पाछा सवार कलैया नगर पालिका 3 ब्रह्मपुरी रहनिहार 32 वर्षक अजय कुमार पटेल ज 11 प 810 मोटरसाइकिल में पाछा सवार 24 वर्षक रुबीना तमांग आ 24 वर्षक युवराज राय घायल कर सन। घायल सबके स्थानीय स्तर में इलाज भ रहला घटना विषय में समेत थप अनुसंधान भ रहा जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता DSP विजय यादव जानकारी देने सहायता। अघन 4 गते संपन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन के लिए धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में निधि फैक्टर फ्लॉप देखल गेल। निधि 5 दलीय गठबंधन के उम्मीदवार अनिल झा के पक्ष में मत मंगने आओ विजय हैत आंकलन केलो पर एमाले जसपा गठबंधन के उम्मीदवार जूली मतो पछाड़ी इनका सबके छोड़ने सैन। 5 दलीय गठबंधन के उम्मीदवार भग रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा उम्मीदवार बनल झा निधि के सहयोग के अपेक्षा कलन मुदा कांग्रेस भीतर देखल गेल कहल आ अंतर विरोध के कारण ई पछाड़ी पड़ल सन। निधि से हिनकर नेता कार्यकर्ता असंतुष्ट रहल कारण हिनकर फैक्टर फ्लॉप देखल गेल जानकार सबके कहब सेहो रहल अछि। निधि शुरू में जोर बल देखेलो पर कांग्रेस के बड़ा सभापति सब निधि के अटेर केने बाद ओ चाहो क कांग्रेस के मत गठबंधन के उम्मीदवार झा के देवाब असफल भेल जारी मतगणना के परिणाम सेहो देखल जा सकत अछि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में मात्र 5,000 के हाराहारी में क्रियाशील सदस्य रहल अछि त निधि के लोकप्रियता घट में हिनकर सबकीय सचिव विश्वास विक्रम आ क्षेत्रीय सभापति हिनकर भाई धीरेन्द्र श्याम निधि प्रमुख भूमिका निर्वाह केने कांग्रेस के कार्यकर्ता सबके समेत कहब रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा काठमांडू क्षेत्र नंबर 4 से विजय भेल सथि। थापा 21,302 मत प्राप्त करत विजयी भेलन त हिनकर निकटम प्रतिद्वंदी एमाले के राजन कुमार भट्टराय 13,855 टा मत प्राप्त केने छलन। निर्वाचित भेलक बाद थापा अपने उठेने विषय सबके पूरा कर प्रतिबद्धता समेत जनौलन त अखन के निर्वाचन में गठबंधन के बहुमत आब आ सरकार समेत गठबंधन से बनत कहत ओ 5 वर्ष जनता देने मैंडेट के गंभीरतापूर्वक लक काज करब जिक्र कल। म सम्पूर्ण बाइडी दिन वस्तु गाम वस्तु गतलाई हृदयबाटै आवाज पठाउन चाहन्छु। मेरो आफ्नो क्रममा सहयोग गर्ने
अनि जति पनि सन्तानहरू साथीहरू समीक्षकहरू योपटकको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा हामी क्षेत्र नम्बर चार यहाँ भएका मानिसहरूमा त निर्वाचन गरिरहेको थिएनौँ। एमहर राप्रपाकी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ 4,050 मत प्राप्त कयलनि त स्वतन्त्र स उम्मेदवार रहल अर्जुन कुमार पसाई 2,308 मत प्राप्त कयने छलथि। नेपाली काङ्ग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य मे फेर स निर्वाचित गर छैन। किछे मतान्तरण स चुनाव जितैत एक क्षेत्र स हो 4 बेर समेत सांसद बनल छैन। सांसद बन सिंह फेर स राप्रपा के उम्मेदवार रविन्द्र मिश्र के 125 मतान्तरण स पराजित कयलनि। सिंह 7,143 मत आनि विजय भेलनि त हिनकर निकटम प्रतिद्वन्द्वी मिश्र 7,018 मत प्राप्त कयने छलनि। एहिसँ पहिने 2074 के चुनावमे सेहो सिंह मिश्र के पराजित कऽ कऽ चुनाव जितल छलनि। वही समय करीब 800 मतान्तरण से प्रकाश मान विजय भेलनि छलनि त राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पुकार बम 4,115, एमाले के किरण पौडेल 3,532 मत आ सुशासन पार्टी के रमेश खरेल 3,124 मत पेने छैन। परिवर्तन के नारा देने उम्मेदवार सब एक ठाउँ नै रहलाके फाइदा समेत सिंह उठाउने छैन। निर्वाचित भेलाक बाद नेता सिंह संविधान के सफल कार्यान्वयन के साथे जनता संघ के नै प्रतिबद्धता सबके पूरा करब जिक्र कयलथि। निर्वाचित भएको र अहिले चाहिँ नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको दोस्रो आम निर्वाचन र पनि 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका आदरणीय हाम्रो चाहिँ सजग र चाहिँ सचेत मतदाताहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास गरेर जुन उहाँहरूले चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ विजय गराउनु भएको छ। यो कुरा खास गरेर के हो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि बिच र चाहिँ आदरणीय मतदाता बिचको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध छ एउटा चाहिँ ट्रस्ट चाहिँ बिल्ड भएको छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ। नत्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त यो ट्रस्ट चाहिँ विगतमा मैले यहाँबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिसकेको द्वितीय बहुमतको सरकारले चाहिँ काम गरेर चाहिँ नदेखेको मर्म अनुसार यो चाहिँ जुन यो चाहिँ भनौँ न 3 तहको सरकारको अधिकार बाँडफाँडको चाहिँ जुन अनुसूचीमा भएकाको भावना र मर्म अनुरूप जुन आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू बनाउनेमा चाहिँ ढिला जुन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा प्रायोरिटी दिएर यो चाहिँ 2046 सालके जनआन्दोलनके कमान गणेश मान सिंह आ नेपाल महिला सङ्घके संस्थापक अध्यक्ष मङ्गला देवी सिंहके बेटा प्रकाश मानके परिवार वातावरण नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिमे आनल छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया 8 दिनभित्र निर्वाचनके नतिजा सार्वजनिक करैत मतगणना भ रहल जानकारी देने छैन। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मतगणना स्थलके निरीक्षण करैत हो मतगणना रोकल क्षेत्र बाहेक अन्य सबटा क्षेत्रके मत परिणामके नतिजा आयत दावी कयलनि। 8 दिनभित्र नतिजा आयत जेहन देशभरि मतगणना अखन भ रहल हिनकर कहब छल। बेस्ट अफ टुडे समाचार अखनके लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखनके लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।